नमस्कार। आज हम सुनेंगे दो बैलों की कथा की दूसरा भाग। दूसरे दिन छुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने की न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अपनी बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल भूसा खा कर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, ये वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुराकर भाग चले। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी का थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियाँ ले खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में ना आता था। बेचारे बार बार जोर लगाकर जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गए। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गड़ाव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाए,
दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, जरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड भौंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वो सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, सांड पूरा हाथी है, उससे भिन्न जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिन्ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आर भी रही है रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बूढ़े फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों में लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे दूसरी पहलू से भी सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैड़ी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बैड़ी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेन में था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूड़ कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ा गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौस में बंद कर दिए गए।